हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्या दोस्तों, आप भी चाहते अपना जो YouTube चैनल का जो सब्सक्राइबर है उसको आप हाइड करना चाहते। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक यूट्यूबर है और आप चाहते अपने जो YouTube चैनल का जो सब्सक्राइबर है उसको आप हाइड करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आपने ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो देख लिया, लेकिन दोस्तों आप सब्सक्राइबर हाइड नहीं कर पा रहे। क्यों दोस्तों? आप भी जानते पहले क्या होता था कि आप अपना जो यूट्यूब चैनल उसको आप क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप मोड में जाके उस पर एक सेटिंग को आप ऑन या फिर ऑफ कर देते थे, तो दोस्तों आपका जो सब्सक्राइबर है वो बहुत ही ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता था। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम में दिन ब दिन यूट्यूब में जो न्यू अपडेट आता ही रहता है, जिससे अभी के टाइम में जो चेंज करने का जो तरीका है वो थोड़ा कठिन हो चुका है। अभी के टाइम में बहुत ही सब्सक्राइबर हाइड करने का तरीका बहुत ही कठिन हो चुका है। लेकिन दोस्तों आप डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिएगा, कि दोस्तों आज की इस वीडियो में ऐसे एक आसान और जनरल तरीके बताएंगे जिस तरह से आप दोस्तों एक चुटकियों में आप अपना जो चैनल का जो सब्सक्राइबर उसको हाइड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों लाइव प्रूफ देखिए, यहाँ पर मैंने अपना एक चैनल यहाँ पर देखिए, चैनल का जो सब्सक्राइबर है पूरा हाइड है, जीरो ने हाइड कर दिया है मैंने। देखिए लाइव प्रूफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने एक तरीका यूज किया जिस तरह से मैंने अपना जो सब्सक्राइबर है उसको हाइड कर दिया। तो दोस्तों वीडियो को बताएंगे, पूरे लाइव प्रूफ दिखाएंगे आप किस तरह से हाइड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि हाइड करने का जो फायदा या फिर बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों मान लीजिए आप एक न्यू यूट्यूबर या फिर थोड़ा पुराना हो गया, फिर भी अगर मान लीजिए आप बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाते और लोगों को सिखाते कि आप इस तरह से सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं या फिर व्यूज ला सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप जितना भी मेहनत करके अगर आप वीडियो अपलोड करेंगे, अगर आपके चैनल में सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, तो उससे क्या होता है, आपका जितना भी आप मेहनत करके वीडियो सिखाएंगे लोगों को बताएंगे, तो क्या करेगा, आपके वीडियो में कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगा और आपके वीडियो को फुल वॉच नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों ये बेसिकली बात है कि इसको खुद का सब्सक्राइबर नहीं और हमें क्या सिखाएगा, ये ऑडियंस को इस तरह से एक माइंडसेट बना रहता है, जिसके कारण आपका वीडियो क्या करता है, पूरा फुल वॉच नहीं करता, इसलिए आपका जो चैनल का जो रीच है वो बहुत ही डाउन हो जाता है। तो दोस्तों आज किस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइबर को किस तरह से हाइड कर सकते हैं और साथ ही साथ किस तरह से आप रीच बढ़ा सकते हैं, आज किस वीडियो में पूरे लाइव प्रूफ बताएंगे। उसके लिए दोस्तों क्या करना है, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट से एक लाइक कर दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक रिलेटेड वीडियो में जब भी अपलोड कर उसका जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों सबसे पहले आपको मिलती रही। तो चलिए दोस्तों टाइम को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप अपने YouTube चैनल का जो सब्सक्राइबर है उसको आप हाइड किस तरह से कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरे आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपका जो क्रोम ब्राउजर है, आपका जो क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन है, इसको सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों मैं भी अपना जो क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन इसको सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मैं जो लिखता जाता हूँ आप भी पूरे स्टेप बाय स्टेप सेम टू सेम फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा, तब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप एक भी पार्ट को अगर स्किप कर देते हैं तो दोस्तों आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और उसके बाद आप कहेंगे आपने जो तरीका बताया वो इतना अच्छा नहीं है और जिस वजह से हमारा सब्सक्राइब हाइड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरे कंप्लीट देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च करना होगा, आपको लिखना है दोस्तों, आपको यहाँ पर सर्च करना है स्टूडियो डॉट, तो दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है स्टूडियो डॉट यूट्यूब, उसके बाद आपको कॉम लिख देखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर कॉम लिख देना है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है studio.youtube.com और ये लिखने के बाद आपको सीधे से सर्च कर देना है। यहाँ पर कहने का मतलब कि आपको जो अपना जो यूट्यूब स्टूडियो है वो दोस्तों क्रोम ब्राउजर डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है। तो दोस्तों ये आपको सर्च कर देना है और सर्च करने के बाद दोस्तों आप एक बार यहाँ पर एरो वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि आपका जो YT क्रोम ब्राउजर है वो दोस्तों डेस्कटॉप मोड में इनेबल है कि नहीं। अगर ऑफ है तो दोस्तों आप इसको ऑन कर दीजिएगा, आपको यहाँ पर सीधे से क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पर ऑन कर देना है, तभी आपको यहाँ पर जो मैं तरीका बताऊँगा वो दोस्तों वर्क करेगा। तो दोस्तों आपको इसको ऑन कर देना है, उसके बाद दोस्तों आपका जो YouTube चैनल है वो क्रोम ब्राउजर डेस्कटॉप मोड में ओपन होगा
और यहाँ पर आने को दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिएगा सबसे नीचे में आपको आ जाना है। और यहाँ पर आने का दोस्तों आपका जो यहाँ पर एक सेटिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिएगा आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको सीधे से क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर भी पूरे ध्यान से देखना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पहला है जनरल और दूसरा है दोस्तों चैनल। तो दोस्तों आपको चैनल वाले ऑप्शन पर आपको सीधे से यहाँ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों पहला बेसिक इनपो, तो दोस्तों यहाँ पर आपके चैनल में जितना भी आपने चैनल के नेम पर आपने कीबोर्ड डाला है वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगे। और दूसरा दोस्तों एडवांस सेटिंग, तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर एडवांस सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप पूरे ध्यान से यहाँ पर अगर 10 बार भी अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन होता था जिस ऑप्शन को आप ऑफ कर देते थे, तो दोस्तों आपका जो चैनल का जो सब्सक्राइबर है वो दोस्तों अगर चाहे आपका चैनल ओल्ड हो या पुराना या फिर न्यू हो तब भी आपका चैनल का जो सब्सक्राइबर है वो दोस्तों हाइड हो जाता था। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम में जो ऑप्शन है वो दोस्तों ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा है, वो सेटिंग ही यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, जिस वजह से आप अभी के टाइम में जितने भी टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो की हुई ना कर लेते आप अपने चैनल का जो सब्सक्राइबर है यहाँ पर हाइड करने का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। क्योंकि दोस्तों आप अगर नहीं जानते तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा YouTube में दोस्तों 29 जुलाई 2022 से एक दोस्तों न्यू पॉलिसी लागू है, जिस पॉलिसी के तहत अभी के टाइम में आप YouTube में आप किसी भी चैनल का जो सब्सक्राइबर है उसको आप हाइड ही नहीं कर सकते। YouTube ने एक नया पॉलिसी ऐड कर दिया कि अभी के जो 29 जुलाई से आप किसी भी चैनल का सब्सक्राइबर हाइड ही नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने अपने यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने चैनल का भी और साथ ही साथ कुछ चैनल आपको दिखाया जिस चैनल में दोस्तों वीडियो प्ले भी हो रहा है उसका जो सब्सक्राइबर है वो शो ही नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको दरअसल बताता हूँ वो जो चैनल मैंने दिखाया था उस पर सब्सक्राइबर क्यों शो नहीं हो रहा था और उसका जो चैनल का जो सब्सक्राइबर है मैंने किस तरह से हाइड किया है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अभी के टाइम में नया अपडेट आने के बाद से आप सब्सक्राइबर हाइड कर ही नहीं सकते, लेकिन दोस्तों वहाँ पर हाइड था। तो दोस्तों हाइड क्यों था, क्योंकि दोस्तों उस चैनल का जो सब्सक्राइबर है वो दोस्तों सब्सक्राइबर जीरो था, तो दोस्तों इसीलिए जो वहाँ पर सब्सक्राइबर शो ही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आपको भी हो सकता है अभी के टाइम में कुछ यूट्यूबर ऐसे भी आपको बताता है कि आप क्रोम ब्राउजर में ये सेटिंग आपको दिखा देते हैं, आप वो सेटिंग दिखा देते नहीं, तो दोस्तों आपको क्या करते हैं कि आप यूट्यूब एप्लीकेशन से भी आप अपने चैनल का सब्सक्राइबर हाइड कर सकते, वो भी आपको बता देता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आप किसी भी यानी कि दोस्तों आप जितना भी थर्ड पार्टी अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर कोई भी टिप्स एंड ट्रिक को आप क्यों भी फॉलो ना कर लेते अभी के टाइम में आप कोई भी चैनल का सब्सक्राइबर हाइड कर ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों यूट्यूब में एक और आपको सेटिंग बताया जाता है, वो सेटिंग क्या है, आपको क्या करते हैं कुछ यूट्यूबर आपको अपने यूट्यूब चैनल में ले जाता है, सॉरी आपको यूट्यूब एप्लीकेशन में ले जाता है। वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको क्या बताता है, आपको क्या बताता है, आपको यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। वो लोग क्या करते हैं आपको व्यूज पाने के लिए दोस्तों वो लोग क्या करते हैं आपको गलत जानकारी दे देते हैं, आपको क्या कहते हैं यहाँ पर आपके चैनल में आ जाना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर चैनल वाले लोगों पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर जो पेंसिल का आइकन है यहाँ पर देखिएगा आपको पेंसिल का आइकन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन यहाँ पर देखिए नीचे में सबसे नीचे यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा प्राइवेसी, और प्राइवेसी के नीचे यहाँ पर साफ साफ लिखा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है, सॉरी दोस्तों मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा साफ साफ आपको यहाँ पर लिखा है यहाँ पर कीप ऑल माई सब्सक्रिप्शन प्राइवेट। तो दोस्तों इसका ये जो सेटिंग है अगर ऑफ है तो दोस्तों आपको क्या कहते हैं इसको ऑन कर देने को कहता है। तो दोस्तों इससे वो लोग क्या कहते हैं कि अगर आप इस सेटिंग को भी ऑन करेंगे तो दोस्तों आपका सब्सक्राइबर हाइड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये दोस्तों 100% फेक जानकारी है दोस्तों, 100% आपको गलत जानकारी आपको प्रोवाइड करता है देता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अगर आप इस ऑप्शन को अगर ऑन कर देते हैं ना तो दोस्तों आपके जो चैनल का सब्सक्राइबर हाइड नहीं होगा, वो क्या होगा दोस्तों आपने जो जीमेल आईडी बनाया या फिर जो आपका यूट्यूब चैनल है, मान लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल से मैं अगर जिस चैनल को सब्सक्राइबर करता हूँ
तो वो जो चैनल सब्सक्राइब लिस्ट है मेरे चैनल में वो सभी शो हो जाते हैं। मान लीजिए मैंने एक कोई चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे जो फ्रेंड है वो अगर देखना चाहते कि मैंने इस अकाउंट से किस किस चैनल को सब्सक्राइब किया है वो शो हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको अगर ऑन कर देते हैं तो दोस्तों आपका जो फ्रेंड है वो दोस्तों चेक नहीं कर पाएगा कि आपने किन किन चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो दोस्तों ये दोस्तों रियल जानकारी नहीं है। तो दोस्तों अभी के टाइम में आप कोई भी टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो क्यों ना कर लेते, आप अपने किसी भी न्यू या फिर ओल्ड किसी भी चैनल का सब्सक्राइबर हाइट नहीं कर सकते। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया। आज की वीडियो में पूरे रियल जानकारी दिखा दिया कि सच में आप अपने जो यूट्यूब चैनल का जो सब्सक्राइबर है वो हाइट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आप हाइट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जो तरीके बताए अगर आपके लिए थोड़ा भी नॉलेजेबल और यूजफुल हुआ तो भी दोस्तों वीडियो में एक अच्छा सा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी हमें एक कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा ताकि उस पर भी हम एक डेडिकेटेड फुल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे एक नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग और कमाल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।